assalamu alaikum today we will be discussing on the subject understanding sufism and we have with us today professor farida Khanam who not only has taught sufism at jamia millia islamia but has also written many articles and book on sufism her book a simple guide to sufism is very popular among the students of sufism and people who want to know what sufism is all about तो चलिए बातचीत करते हैं फरीदा आपा के साथ अस्सलाम वालेकुम आपा कैसी है आप? वाले आप हैं आप सलाम आप खैर से जी अलहमदिल्ला आपा सबसे पहला जो सवाल जहन में आता है वो यही है क्योंकि आज का सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग सूफिज्म है कि सूफिज्म के मायने क्या है व्हाट इज सूफिज्म तो इसके बारे में आप हम सबको बताइए को, को आरबरी ने जो एक बहुत मशहूर आसर हैं तो उन्होंने तसवुफ़ पे किताब लिखी उन्होंने उसको कहा है मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ़ इस्लाम मैं उसको कहूँगी स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ़ इस्लाम तो सूफिज्म ये लोगों ने लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ इस इस्तेला से सूफ़ी तस्वुफ़ मिस्टिसिज्म लेकिन उसकी जो हकीकत है वो बिल्कुल वही है जो इस्लाम की स्पिरिट है तो उन्होंने इस्लाम की स्पिरिट को अवेकन किया तो शुरू में तो जो सहाबा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाइफ स्टाइल था सहाबा का जो लाइफ स्टाइल था और उसके बाद ताबीन का तो वो बिल्कुल मॉडल था रिलीजियासटी का वो दिन रात खुदा की जिक्र करते हर हर बात में तवसम करते तदब्बुर करते इबादत करते रात रात को इबादत करते और दुनिया से उनको कोई ताल्लुक नहीं था तो ये चीज़ सूफियों के यहाँ बहुत ज़्यादा है कि दुनिया से ताल्लुक ख़त्म करना अटैचमेंट ख़त्म करना तो वो हर वो चीज़ जो हम अलैहि वसल्लम के यहाँ और सहाबा के यहाँ ताबीन के यहाँ हम देखते हैं उसी को अर्ली सूफीज़ की हद तक मुकम्मल तौर पर उसको उन्होंने रिवाइटलाइज़ करने की कोशिश की क्योंकि हर सोसाइटी में ऐसा होता है के कुछ दिनों के बाद आफ्टर सर्टन जनरेशंस वो इस्परिट ख़त्म हो जाती है नमाज रोज़ा हज ज़क़ात सब बाकी रहा लेकिन स्प्रिट बहुत ही कमज़ोर हो गई तो इन लोगों ने उस स्प्रिट को ज़िंदा किया तो शुरू में तो जो तो समझ लीजिए कि दो तरह के लोग होते थे कुछ लोग सिर्फ अब्लिगेटरी ड्यूटीज़ करते थे बाकी और दूसरे काम करते थे तजारत भी करते थे और जहाद भी करते थे बाकी जो दुनिया के काम होते हैं और कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इबादत में ही अपना वक्त गुजारते थे और सादा ज़िंदगी अख्तियार करते थे क्योंकि जब वो दुनिया में फंसेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा आश वशरत की ज़िंदगी वो खुद ब खुद हो जाती है तो उसकी मिसाल हैब्फ़ा की एक कि वो वहाँ पर रहते थे मस्जिद नबी के चबूतरे पर ही वहीं रहते ही थे वो लोग और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें सुनते थे जिनको हम हदीस कहते हैं उसको रिकार्ड करते थे उसको महफूज करते थे उसी में अबू हुरैरा थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की हैं तो इन लोगों की जो ज़िंदगी थी वो दिन रात बस खुदा की इबादत में खुदा की याद में गुज़रती थी तो यही सूफीजम का है सिर्फ़ अल्फाज से लोग जो हैं वो हो रहे हैं क्योंकि जो जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाता था या ताबे बोला जाता था तो फिर हमें किसी और लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं होती थी किसी की रिलीजियासिटी को बताने के लिए वो सबसे बड़ा मॉडल था सहाबी ताबीन फिर उसके बाद जो लोग इस रास्ते पर चले मतलब ज़्यादा इबादत वाले करने वाले और दुनिया से दूर रहने वाले तो उनको जाहिद और आबिद कहा जाने लगा लेकिन ये जो लफ्ज़ सूफ़ी निकला है ये नाइन्थ सेंचुरी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो एक बहुत मशहूर हैं कासिम कुशरी उनका है किताब रिसाला कुरिया तसव्वुफ में किताबें बहुत कम लिखी गई हैं लेकिन जैसे महजूब है फवाद है रिसाला कुशरिया है तो ये सब बहुत इम्पॉटेंट बुक्स हैं तो इसमें उन्होंने बताया है कि नाइन्थ सेंचुरी में सबसे पहले सूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो इराक़ में एक साहब थे अबू हाशिम कोफ़ी तो उन्होंने ये ऐसा जो कपड़े होते हैं कोर्स कोलात कह दें या जैसे जूट होता है और बिल्कुल मोटा छोटा कपड़ा जिसको हम कहेंगे तो उन्हों, उन्होंने वो पहना हो सकता है कि उस जमाने में हर जमाने में देखिए साधु संत रहे हैं राहिब रहे हैं और वो लोग दुनिया से कट कर ज़िंदगी गुजारते थे तो अब जब दुनिया से आदमी कट कर ज़िंदगी गुजारेगा तो बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता वो सादा ही कपड़े पहनेगा उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी सादा रहेगी तो इस तरीके से वो फिर वैसे ही कपड़े पहनने लगे और दूसरे लोग भी ऐसे कपड़े पहनने लगे तो इससे पता चलता था कि ये सूफ़ी हैं और ये सिर्फ़ इबादत करने वाले लोग हैं तो इनको दुनिया से दुनियादारी से कोई दिलचस्पी नहीं है तो इस तरीके से ये लोग जो हैं टोटल डिवोशन टू गॉड में जीते थे दिन रात इबादत करते थे अल्लाह को याद करते थे कोई मिलता था तो उससे सिर्फ़ अल्लाह की बातें करते थे और एक बात ये कि उनके अंदर खौफ खुदा बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा खुदा से डरते थे रोते थे गिरिया करते थे कभी इन लोगों से कोई पूछता जैसे हसन बशरी से किसी ने पूछा कि आप तो कोई गलत काम करते नहीं आप क्यों इतना रोते हैं इतना इसतफार करते हैं तोबा करते हैं तो उन्होंने कहा बेजाने में लामी में कुछ मुझसे हो सकता है और वो अल्लाह को नापसंद हुआ हो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उस खुदा से डरता हूँ तो और दूसरी एक और बात है कि हमने तो इबादत कर ली अब हमें मालूम नहीं कि वो खुदा के यहाँ वो इबादत मकबूल हुई कि नहीं खुदा ने एक्सेप्ट किया कि नहीं तो हर वक्त एक मोमिन जो है इस इस सस्पेंस में रहता है कि उसकी इबादतें खुदा के यहाँ कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं क्योंकि कबूल होने के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी चाहिए बिल्कुल खुशु व खजू वाली इबादत हो तब वो ख़ुदा के यहाँ कबूल होती है तो इसमें ये बात है कि लोकल असरात इन लोगों ने कबूल किए क्योंकि सूफी क्रिश्चियनिटी में भी और जुडाइज़म में भी ऐसे लोग थे जो जंगलों में रहते थे और बिल्कुल सुनसान जगह रहते थे ख़ुद मक्का में ऐसे बहुत सारे लोग थे तो उनके असरात पड़े इन लोगों पर और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ भी नहीं था क्योंकि अगर कुछ लोग ज़्यादा इबादत में लगे तो वो अपने डिसाइपल्स को अपने फॉलोअर्स को ये नहीं कहते थे कि तुम दुनिया के काम मत करो अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे अहतक होता है जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसोल्लाम गारहरा में जाते थे बैठते थे तो इसमें कोई हर्ज नहीं था क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को नहीं मना किया कि तुम लोग दुनिया के काम मत करो तो ऐसा बाईबर्थ कुछ लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं तो उनको ज़्यादा दिलचस्पी होती है इबादत वगैरह ज़्यादा करने से इस्लाम में है भी सुपरोगट्री प्रेयर जिसको नफिल प्रेयर कहते हैं तो वो इस्लाम में भी है एक हदीस भी है कि जब बंदा मुझसे नवाफिल के ज़रिए करीब होता है और जब वो फिर मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ और मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है मैं उसकी कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है तो नफिल नमाजों का तो बहुत ज़्यादा इस्लाम में है ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कुछ अलग से कुछ काम किया बाद के सूफिया में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो उन्होंने लोकल जो ट्रेडिशंस थी उससे उन्होंने असरात कबूल किए लेकिन अर्ली सूफी जो थे वो तो बिल्कुल ही इस्लाम की स्पिरिट पर चल रहे थे क्योंकि इस्लाम की स्पिरिट को अवेकन करना उन्होंने समझा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कुछ लोग घर बार भी छोड़ देते थे क्योंकि जब आदमी घर में रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों से मुत्ल रहेगा उसका माइंड डाइवर्टेड रहेगा तो घर बार छोड़ देने से कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा होता है तो इस वजह से वो घर बार भी कुछ लोग छोड़ दिया करते थे तो उनके ऊपर बहुत तनखीदें भी हुई निज़ामुद्दीन ओलिया से किसी ने कहा कि ये तो इस्लाम में नहीं है कि घर बार छोड़ दो तो उन्होंने कहा कि देखिए दुनिया छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो खाना पीना छोड़ दो हर काम छोड़ दो बल्कि दुनिया से दिल ना लगाओ उन्होंने बताया कि जैसे एक मुर्गा भी होती है जब पानी में जाती है तो पानी से निकलती है तो उसके परों में कुछ भी पानी नहीं लगा हुआ होता है तो इसी तरीके से हम दुनिया में रहें दुनिया के काम करें लेकिन दिल दुनिया में ना लगाए दिल हमारा खुदा में ही लगा रहे तो बहुत ज़्यादा वो लोग दो चीज़ों पर फोकस बहुत ज़्यादा था एक इबादत पर और दूसरे ख़िदमत खल पर लोगों से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी उनकी ख़दमत करते उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे कोई आता तो उसको खाना खिलाते उसको उसको तालीम देते और उसकी जो भी ज़रूरत होती थी, थी उसको पूरा करते तो यह है तसव्वुफ अर्ली स्टेज में जी आप इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि घर बाहर छोड़ना नहीं है वर्ल्ड बट रादर रिनउंसिएशन ऑफ वर्ल्डलीनेस तो ये बहुत अच्छे से आपने इसको वाजे किया क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि सूफ़ीज़म मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाना खुदा की राह में आप आपने सूफिज़म के बारे में पढ़ाया है लिखा है आपकी किताब भी बहुत पॉपुलर हुई तो अभी आपने कुछ बैकग्राउंड भी बताया तो मैं चाहूँगा कि कुछ और बैकग्राउंड बताएं आप सूफिज़म के बारे में ताकि उससे और वाजे हो जाए वो असल में इस्लाम के अर्ली स्टेज में अलैहि वसल्लम का ज़माना साहबा का ज़माना खलफा राशिदीन का जो ज़माना था उसमें इस्लाम अपनी फार्म और स्पिरिट दोनों के साथ ज़िंदा था जब वो लोग नमाज पढ़ते थे फार्म के साथ तो उसी में पूरी स्पिरिट भी उसमें होती थी उसमें तो जब वो लोग नमाज पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा वो खुदा बहुत ध्यान से नमाज पढ़ते थे खुश व खुजू के साथ नमाज़ पढ़ते थे नमाज पढ़ने के बाद भी वो सोच में गर्क रहते जो उन्होंने नमाज़ में पढ़ा था तो उस वक्त स्पिरिट ज़िंदा थी तो कोई मसला नहीं था और लेकिन बाद में ऐसा हुआ खुलफा राशिदीन के बाद ऐसा हुआ कि जब बनैया का दौर आया तो उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी अम्पायर बन गया था जी इस्लाम ने बहुत सारे फतह हो गए थे और एक बड़ी अम्पायर मुस्लिम एम्पायर हो गया था तो उस एम्पायर की वजह से बहुत दौलत की रेल पेल हो गई थी लोग बहुत ज़्यादा शानदार ज़िंदगी गुजारने लगे दुनियादार हो गए और ख़ास तौर पर जो रूलर्स थे उन्होंने महल बनाए और जो भी जो, तर, जो इस्लाम के एक रूलर के लिए जो तलीमत थी वो उन्होंने उसको उस पर अमल नहीं किया मिसाल के तौर पर खलफा राशिदीन जो थे अब पूरी तरीके से मसावत पर कायम थे अदल पर कायम थे अगर कोई चीज़ आती माल में तो सबको बराबर बराबर दी जाती ये नहीं देखा जाता कि कोई अमीर है गरीब है कोई हमारा रिश्तेदार है कोई गैर रिश्तेदार वगैरह शूरा दूसरे जो बहुत ही इम्पोटेंट स्टेट चलाने का असूल है वो शुरा है शुरा के नाम पर पूरी चैप्टर है क़ुरान में तो हर काम खुलफा राशिदीन के ज़माने में शुरा के ज़रिए होता था बाकायदा मशवरा होता था कोई बड़ा मसला होता था तो ज़्यादा लोग बुलाए जाते थे तो उनसे मशवरा किया जाता था और ख़लीफ़ा उसमें मौजूद होता था सबकी राय सुनता था और जो राय बेस्ट होती थी उसको एक्सेप्ट कर लिया करता था तो ये जो ज़माना था इसमें तमाम लोग समझते थे कि ये इस्लाम के मुताबिक पूरा नजम चलाया जा रहा है पूरी हुकूमत चलाई जा रही है लोग बिल्कुल इस्लाम की तलीमत के मुताबिक चल रहे हैं तो उस वक्त कोई मसला नहीं था मसला जब हुआ जब ये लोग दुनियादार हो गए और अगर उनके ऊपर क्रिटसजम की जाती तो उन्होंने जल्लाद रख रखे थे और वो कलम कर देते सख्त सजाएँ देते किसी को भी स्पेयर नहीं करते थे यहाँ तक कि माँ बाबू हनीफा को कहा गया कि तुम काजी कादा कबूल कर लो उन्होंने इसीलिए लिए कबूल नहीं किया कि ये लोग प्रेशर डाल के अपने मतलब का आ, फैसला लेंगे तो उनको भी सख्त दी गई कोड़े मारे गए तो ये हालत थी अब दो ऑप्शन थे या तो वो उन लोगों का आ, वो करते उन लोगों से उन लोगों के खिलाफ तहरीक चलाते जैसे आजकल होता है फ़ौर ख़िलाफ़ तहरीक चला देते हैं तो ये जो ख़िलाफ़ हुकूमत एक हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना ये इस्लाम में बिल्कुल मना है तो रसोल्ला वसम ने फरमाया कि कितने ही बुरे तुम्हारे रूलर हों तुम लोग फ्रूज मत करना यहाँ तक कि तुम लोग अपनी तलवार तोड़ देना जंगल चले जाना गोशागिर हो जाना लेकिन उनके ख़िलाफ़ तहरीक मत चलाना क्योंकि इससे बहुत बर्बादी आएगी तो तुम लोग तलवार के बजाय सब्र से काम लेना तो ये लोग इस्लाम की तलीमत पर जो लोग थे उस वक्त उन्होंने यही सोचा कि अगर हम ऐसा करते हैं इन लोगों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते हैं तो ये लोग सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी हलाकत होगी तो इससे अच्छा उन्होंने सोचा कि उन लोगों से अलग हो जाएं और गोशागिरी की ज़िंदगी अख्तियार करें और इबादत करें जो स्पिरिट लोगों से जा रही है क्योंकि दौलत बहुत ज़्यादा आ गई थी तो जो स्पिरिट जा रही है लोगों से उसको लोगों में अवामी तहरीक चलाकर लोगों में वो स्पिरिट अवेकन करें तो इस तरीके से ये हुआ तो लोग ये जो है ना जो बैकग्राउंड यही है कि वो माहौल से दिल बर्दाश्त हो गए थे माहौल से उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि उन्होंने सोचा कि यही बेहतर है कि अलग हो जाएं और अपना इबादत करें और जितने लोग उनके कांटेक्ट में आए उनको इस्लाम की तलीमत उसकी स्पिरिट के साथ उनको बताएं ताकि कम से कम ऐसा ना लगे कि इस्लाम कोई इस सिर्फ़ सियासत और हुकूमत के लिए आया है तो ये था उसका बैकग्राउंड जी जी तो आपा, आपने कहा कि अलग हो जाएं और लेकिन फिर भी जो लोग उनके ताल्लुक में आए तो उनको इस्लाम की तालीमात बताएं। तो कुछ अर्ली सूफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में आप हम सबको बताइए अर्ली सूफीज़ में आता है ओवैस करनी का नाम ख्वाजा फजैल इब्राहिम अदम हसन बसरी बसरी तो ये लोग हैं जो अर्ली सूफीज़ हैं तो इन लोगों को वही मेन इख्तलाफ हुआ था शाहाना शाहाना जो लाइफ डेवलप हो गया था असल में ईरान बहुत बड़ी एम्पायर था और वहाँ पर की थी तो उसकी वजह से वहाँ पर बिल्कुल रॉयल लाइफ था वही अरबों ने उसको अडाप्ट कर लिया था तो इस वजह से वो बिल्कुल ही माहौल बदल गया था अब इस्लामी माहौल के बजाय वो ईरानी माहौल कायम हो गया था तो उसके लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया जब ये लोग गोशागिर हो गए तो वो लोग जिनको लग रहा था कि जो अब हो रहा है और जो रूलर्स हैं और जो बड़े बड़े अहदेदार लोग हैं वो सब दीन से दूर होते जा रहे हैं नमाज रोज़ा कभी ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन वो स्पिरिट से दूरी हो रही हो रही थी तो उन लोगों ने उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया और तमाम लोगों को बताया कि असल इस्लाम क्या है और लेकिन ऐसा था कि कभी ऐसा हो जाता था कि हमेशा बुज़ुर्ग लोगों से लोगों को दिलचस्पी रही है जी। तो बादशाह लोग भी बड़े बड़े उहदेदार भी मिलना चाहते थे तो ये लोग कभी भी उनको इनक्रेज नहीं करते थे लेकिन कभी कोई आ जाता था बगैर बुलाए हुए तो उस न, उन पर उनका खुल कर उनको साफ साफ बात कहते कि तुम लोग जो काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो इस्लाम के तालीमत के ख़िलाफ़ कर रहे हो तो ऐसे ही एक वाक़ आता है ख्वाजा फज़ैल का कि एक बार हारून रशीद जो कि एम्प्रर था तो वो उनके पास आया और उन्होंने ज़्यादा ये लोग बचते थे रूलर से उन्होंने अपना लैंप बुझा दिया कि रूलर की शक्ल उन ना देखें तो बहरहाल वो आया बैठा तो बात तो करनी थी क्योंकि वो एम्परर था तो उसका हाथ इनके हाथ से छू गया तो हाथ बहुत ही नरम था सॉफ्ट था तो उन्होंने उसी पर कहा कि कैसा नरम हाथ है काश के दोजख से बच जाए तो इसका असर होता था इन लोगों के ऊपर तो इसलिए ऐसे मौके पर वो बातनी असलाह के लिए जो काम कर रहे थे तस्किया नफ्स के लिए जो काम कर रहे थे तो उसका असर हुआ अगर ये लोग काम ना करते तो इस्लाम बिल्कुल एक सियासी प्रोग्राम होकर रह जाता तो धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया यहाँ तक कि सारी दुनिया में तस्वुफ़ फैल गया और इसी की वजह से सारी दुनिया में जो इस्लाम आया जो टॉलरेंट वर्जन ऑफ़ इस्लाम आया वो इन्हीं सूफिया की वजह से आया जी आपा आपने अभी तस्किया नफ्स का भी जिक्र किया और कुरान में भी आया है कि प्रॉफिट हैज़ बीन गिवन फोर रिस्पांसिबिलिटीज एंड वन बीइंग सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड देयरफॉर इट बिकम्स असेंशियल फॉर एवरी बिलीवर टू गिव अट मोस्ट इम्पॉर्टेंस टू सेल्फ़ प्योरिफिकेशन तो आपा हम ये भी चाहेंगे कि आप तस्किया नफ्स जो सूफी मेथड है उसको थोड़ा वाजे करें हम सब के लिए सूफ़ियों के यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोटेंट बात है वो ये है कि दिल हमारा बिल्कुल साफ़ रहे तस्किया नफ्स का मतलब है प्योरीफिकेशन ऑफ द सेल्फ़ तो ये लोग कहते थे कि दिल जो है वो सेंटर है स्पिरिचुअलिटी का तो उस ज़माने में यही समझा जाता था हालांकि दिल जो है मौलाना ने बार बार लिखा है कि दिल सेंटर नहीं है माइंड सेंटर है लेकिन हम फील हमको फील होता है हार्ट के लेवल पर तो इस वजह से ये लोग और तमाम लोग पहले के ज़माने में यही समझते थे कि दिल सेंटर है तो कहते थे जब तक दिल पाक नहीं होगा तब तक उस दिल पर खुदा का इंस्पिरेशन नहीं आएगा तो इस वजह से हमें दिल को पाक साफ रखना है और उसके लिए बहुत उन्होंने काम किया क्योंकि कुरान के मुताबिक भी एक सुर में आया है कदफ़ला मन जक्का बकत ख़्वा मंदस्सा जिसने अपने नफ्स को पाक किया साफ किया वो कामयाब रहा जिसने अपने नफ्स को पलूट किया वो नाकाम रहा तो जब तक के नफ्स हमारा पाक नहीं होगा तब तक हम जन्नत में जाने के काबिल नहीं रहेंगे क़ुरान में बार बार आया है ज़ाल का जजा व मन तज़ा पैराडाइस फॉर दोज हु प्योरीफाई दमसेल्व तो प्योरीफाइड personality जो है ये क्यों ज़रूरी है क्योंकि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डिजायर्स हैं और वो डिजायर्स ही उसको बुरा काम गलत काम करने की तरगीब देते हैं और एक तरफ़ हमें शैतान बहकारा होता है तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो देनी है कि हम इन डिजायर्स से बचें सिर्फ नीड बेस्ड हमारी लाइफ हो डिज़ायर बेस्ड ना हो क्योंकि डिजायर तो हमारी कभी भी पूरी होती ही नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने इंट्रास्पेक्शन जो मुहासबा होता है उस पर सूफिया लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे क्योंकि जब हम सोचेंगे जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना इंट्रास्पेक्शन करते थे जब तो दिन भर हमने एक काम किया है फिर रात को बैठ के हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है तो इंट्रास्पेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने कहा कि नफ्स, सूफिया ने कहा कि नफ्स को ज़ेर करने के लिए इबादत बहुत ज़रूरी है एक होता है फ़र्ज़ इबादत फ़र्ज इबादत में तो थोड़ा सा टाइम लगता है और वो उसका उतना पूरा असर नहीं होता तो नफिल इबादत जो है वो इस काम के लिए ज़रूरी है कि तो तस्किया नफ़्स के लिए और नफिल इबादत के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर भी दिया गया ख़ुद वसल्लम रात रात को इबादत किया करते थे सहाबा किया करते थे तो एक बार वसल्लम रात को बाहर निकले तो उमर कुरान पढ़ रहे थे तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे तो रसोल्ला वसल्लम ने फरमाया कि इतनी ज़ोर ज़ोर से मत पढ़ो फिर आगे बड़े बढ़े तो हज़रतर भी कुरान पढ़ रहे थे वो सही अंदाज़ से पढ़ रहे थे ज़्यादा ज़ोर से नहीं पढ़ रहे थे तो ये सहाबा सब लोग ऐसा करते थे कि नफिल यानी एडिशनल प्रेयर करते थे और कुरान तो बेस्ट है क्योंकि उन लोगों की तो ज़बान ही अरबी थी वो लोग उसको समझते थे उसको अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करते थे तो इस पर इन लोगों ने सूफिया ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया अब उन्होंने बाद में कुछ मेथड्स भी उसमें आ, इन, 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 डेवलप किए उन्होंने कुछ मेथड्स भी मतलब ज़िक्र के उनके बहुत सारे तरीके थे तो जिक्र करने का मेथड जिक्र इंडिविजुअल भी होता था कांग्रेगेशनल भी होता था तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें इजाफा किया लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वही थी जो बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक थी बहुत अच्छे से वाज़ किया आपने मौलाना वेदुद्दीन खान साहब भी बड़े एग्जांपल्स देते थे वो कहते थे कि तस्किया का लिटरल मायने ही ग्रोथ है और जिस तरीके से एक बीज पेड़ बन जाता है धीरे धीरे ग्रो करके तो उसी तरीके से तस्किया से भी यही होता है कि इंसान जब सेल्फ प्योरिफिकेशन करता है तो उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो यू नो इट्स नेचुरल आउटकम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो इसलिए तस्किया नफ्स आपने जिस तरह बताया वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हर एक बिलीवर उसको बहुत इम्पोर्टेंस दे उसको अटमोस्ट प्रायरिटी ले आप आपने सूफिज़म के बारे में बताया उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई दस क्या नफ्स अभी बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया तो अब मैं चाहूँगा कि कुछ सूफ़ी पर्सनैलिटीज़ को ले हम डिस्कस करें बातचीत को आगे बढ़ाएँ तो विद इन सूफ़ी ट्रेडिशन वन प्रोमिनंट वुमेन नेम दैट कम्स इन माइंड इज़ रावया बसरी तो उनका जन्म इराक़ बसरा में हुआ 713 एडी में तो मैं चाहूँगा कि उनके बारे में आप हम सबको बताएं बहुत सी लेडीज़ रही होंगी लेकिन लेडीज़ का रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता राबिया बसरी के बारे में भी हमको काफ़ी साल 100-200 साल के बाद हमें उनके ऊपर किताब लिखी गई तो बहरहाल ये एक परामेंट लेडी सूफी है तो कहते हैं कि इराक़ में बसरा में कहत पड़ा था तो बहुत लोग जो हैं कुछ लोग मर गए कुछ लोग भाग गए वहाँ से तो इनकी फैमिली में भी शायद इनके पेरेंट्स ख़त्म हो गए थे इनकी बहनें थीं उन्होंने तो सब इधर उधर हो गए इनको कहीं कहीं इनको बे, इनको कहीं बेच दिया उस ज़माने में गुलामी का रवाज था तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो जिस घर में वो गई तो ऐज़ ग़ुलाम तो वहाँ पर काम बहुत होता था तो वो दिन भर काम करती और रात को इबादत करती ऐसे ही होता रहा बहुत दिनों तक तो एक दिन क्या हुआ कि मालिक ने किसी काम से उठा रात को तो देखा ये इबादत कर रही हैं और कह रही हैं कि ए मालिक मैं थे मैं दिन भर काम करती हूँ मैं ग़ुलाम हूँ तो मैं दिन को इबादत करने का मौक़ा नहीं मिलता तो अगर जो यही रात के वक्त मुझे मौक़ा मिलता है तो मैं तेरी इबादत करती हूँ तो मेरी इबादत को कबूल फरमा यही सब कर रही थी कि अगर मुझे दिन को मौक़ा मिलता तो मैं दिन रात इबादत करती तेरी तो वो सुन रहा था उनके चेहरे पे बहुत नूर था तो मालिक सुन रहा था वो एकदम घबरा गया ये सब बातें सुनकर और उसने उसी वक्त उनको आज़ाद कर दिया तो फिर उन्होंने गोशा नशीन की ज़िंदगी अख्तियार की इन लोगों की ज़िंदगी बहुत सादा होती थी कहते हैं एक फटी चटाई उनके पास थी एक मिट्टी का घड़ा था और एक पत्थर था उस पर सर रखती थी पत्थर जो सिल टाइप पत्थर होता है उस पर सर रखती थी बस और ना वो किसी से कोई डोनेशन लेती थी कोई पैसा लेती थी कहती थी मैं खुदा से नहीं मांगती तो तुमसे क्या लूँगी कितना ही कोई रिक्वेस्ट करता वो कोई पैसा नहीं लेती थी तो कहती थी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के लिए इबादत करती हूँ खुदा से मोहब्बत के लिए इबादत करती हूँ मुझे जन्नत के लिए भी इबादत नहीं करती जहन्नम से बचने के लिए भी मैं इबादत नहीं करती बल्कि सिर्फ़ खुदा के लिए इबादत करती हूँ उन उन्हीं वही थी जिन्होंने इश्क खुदाबंदी का नज़रिया पेश किया तो कहती थी एक अब कुछ कहानी किससे भी होंगे कहते हैं एक दिन वो जा रही थी अपने एक हाथ में पानी लेकर एक हाथ में आग लेकर के और ये कहती हुई जा रही थी कि जन्नत को जला दूंगी और जहन्नम को बुझा दूंगी ताकि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए इबादत करें हो सकता है ये किस्सा हो लेकिन ये किस्सा बहुत मशहूर है तो बहुत ज़्यादा ये लोग जो है दिन रात बस इबादत में लगी रहती थी और खुदा का शुक्र अदा करती थी और सिर्फ और सब्र और शुक्र और जो भी इस्लाम की जो तालीमात हैं बिल्कुल उसी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारती थी तो ये था उनका वो बहुत ही उनके बारे में बहुत ज़्यादा मालूम हमारे पास नहीं है जी आप अगला सवाल लेने से पहले कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा काफ़ी लोग आपके प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं आ, कई डिफरेंट डिफरेंट जगहों से देख रहे हैं नावेद रहमानी साहब बलोचिस्तान से देख रहे हैं डॉक्टर असलम खान साहब सहारनपुर से उन्होंने लिखा है कमेंट अकॉर्डिंग टू ऑल सूफी सेंट्स गॉड हिमसेल्फ़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर लाइवलीहुड इट मीन्स दैट वर्शिप ऑफ गॉड इज़ दी ओनली पर्पज़ टू कन्वे दी क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड नूरुल एंड जिया ने लिखा है ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने लिखा है आई एम लिसनिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वेरी अमेजिंग टॉक माशा आई एम ऑलरेडी फीलिंग मोटिवेटेड लिव लॉन्ग सी पी एस टीम आप अगला अगली पर्सनालिटी जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा हसन अल बसरी साहब उन्होंने उनका जन्म मदीना में 642 हंड्रेड में हुआ और ही हैड हेटे इन्फ्लुएंस इन डेवलपमेंट ऑफ सूफिज़म तो वो ताबी भी थे तो मैं चाहूँगा उनके बारे में भी आप कुछ बताएँ उन्होंने हज़रत अबूब्र के हाथ इस्लाम कबूल किया था तो वो ताजर थे काफ़ी दौलतमंद ताजर थे लेकिन उनको जब खुदा से बहुत गहरा ताल्लुक़ कायम हो गया तो उन्होंने तजारत को छोड़ दिया और एकदम दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली तो दिन रात वो इबादत में मशगूल रहते थे और बहुत ज़्यादा रोते थे अल्लाह के हुजूर वही कहते थे कि अगर अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल न करते करें करे तो हम क्या करेंगे तो इसलिए बहुत ज़्यादा रोते थे और कहते थे कि दौलत से जो मोहब्बत करता है उस पर खुदा तवज्जो नहीं करता और उस जमाने के जो मुसलमान थे उस जमाने में दौलत की बहुत ज़्यादा रेल फेल थी तो कहते थे कि मैंने सत्तर बदरी साहबा को देखा है अगर तुम उन्हें देखते तो कहते कि ये पागल हैं अगर वो तुम्हारे अच्छों को देखें तो कहेंगे कि दीन में उनका कोई हिस्सा नहीं तो मैंने ऐसे लोग देखे कि दुनिया उनके नज़दीक पाँव के नीचे की मिट्टी से भी ज़्यादा बेहकीकत थी तो कहते हैं कि जो साहबा थे वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि उनको कहते हैं कि आखिरत की फ़िक्र ने उनको दीवाना बना दिया था तो वही कहा उन्होंने बताया कि तुम लोग देखो तो कहोगे वो पागल हैं पागल नहीं वो खुदा की मतलब खुदा की फ़िक्र में आखिरत की फ़िक्र में और खुदा से डर ने उनको ऐसा बना दिया था कि वो कहते हैं कहते थे कि इल्म यह है कि आदमी खुदा से डरने लगे तो खुदा से जो है लोग सिर्फ फार्म की इबादत कर रहे हैं फार्म कर कुछ भी सोचते नहीं हैं ना खुदा से डर ना खुदा से मोहब्बत ना जहन्नम का डर ना जन्नत का शौक़ बस वक्ती तौर पर बस वो पाँच दस मिनट की इबादत कर लेते हैं तो वही अगर इन लोगों ने काम ना किया होता तो इस्लाम की स्परिट तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होती तो इन लोगों ने जो सब काम किया इन लोगों के जो डिसाइपल्स थे और इस जो सिलसिले को जो ट्रेंड था जो उसका इस्लाम का आस्पेक्ट था उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और इन लोगों ने इन्हीं लोगों की वजह से बाद में वो ये सिलसिला जो है स्पिरिचुअल सिलसिला बढ़ता ही चला गया बढ़ता ही चला गया यहाँ तक कि वो सारी दुनिया में फैल गया जी और उनके यहाँ पर कोर्ट्स भी बहुत आ, फेमस हुए एक तो मुझे बहुत ही पसंद आया कि उन्होंने कहा कि हु एवर इवेल अबाउट यू बिहाइंड योर बैक डू नॉट गेट एंग्री फॉर इन रियालिटी दे आर ऑफरिंग देर गुड डीड्स ऑन अ गोल्डन प्लेट तो मैं समझता हूँ कि एक गुस्से की जड़ को ही काट दिया उन्होंने इस बात को कह के बहुत ही जबरदस्त कोर्ट था उनका ये आप आ, उसी तरीके से एक और बड़े सूफ़ी रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही वॉज अ पर्शियन मुस्लिम एंड ही वॉज ही सेटल्ड इन इंडियन सब कॉन्टीनेंट इन दर्टीन सेंचुरी तो मैं चाहूँगा इसके उनके बारे में भी आप हम सबको बताएं। ये बहुत बड़े सूफी हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका अजमेर में दरगाह है तो यही सबसे पहले जो बहुत प्रामनेंट सूफियों में यही सबसे पहले इंडिया आए तो इनके वालिद एक दौलतमंद ताजिर थे सीस्ता के रहने वाले थे तो ऐसा हुआ कि ये ये बीस साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया तो वालिद के जो एक बाग छोड़कर कर उनका बाग उन्होंने छोड़ा था विरसे में और एक एक चक्की थी तो वो बाग की देखभाल यही करते थे वालिद के बाद तो ऐसा हुआ कि जो सूफिया होते हैं वो मुस्तकिल सफ़र में रहते हैं सफ़र में रहते हैं और रास्ते में जो भी सूफिया होते हैं मिलते हैं, उनसे मिलते जाते हैं उस उनसे वो मुस्तफीज होते हैं इन लोगों का एक ये भी है कि इल्म सीना के सूफिया का जो इल्म है वो उनके सीने में होता है तो जब वो उनसे मिलेंगे उनकी सोबत में रहेंगे तो उस इल्म से उनको फ़ायदा होगा तो बहुत सारे ऐसे सूफिया थे जो मुसलसल सफ़र में रहते थे तो इसी तरीके के एक सूफी थे इब्राहिम कंदोज़ी तो वो एक बार इनके बाग़ में आए तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको खिलाया पिलाया उनको बैठाया उनसे बात की तो वो इनसे बहुत मुतासर हुए उन्होंने इनके लिए दुआ किया और उनसे बातचीत की तो मोनुलद्दीन चिश्ती बहुत मुतासर हो गए और उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया बाग बेच दिया और वह भी सफ़र में निकल पड़े उस जमाने में रास्ते सेफ़ थे कोई प्रॉब्लम नहीं था तो उस ज़माने में लोग एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे वो ज़माना था कि तीन दिन तो आप किसी के भी घर में जाके मेहमान रह सकते थे ऐसी कहते हैं इब्ने बतूा ने पूरी दुनिया का पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का सफ़र कर लिया था ऐसी तीन तीन दिन अब सब जगह रह रहे के उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया था और चूँकि वो बहुत पढ़ा लिखे आद, आदमी थे तो उनको कई जगह जो मुस्लिम सल्तनतें थी उन्होंने काम भी दिया था तो उन्होंने पूरी उस वक्त की जो मुस्लिम आबाद दुनिया थी सफ़र कर लिया था तो इसी तरीके से सूफिया भी सफ़र किया करते थे तो वो समरकंद गए बुखारा गए तो वहाँ पर जगह जगह उन्होंने मजहबी तालीम हासिल की अच्छा एक बात और देखने की है कि सूफिया जो हैं उस ज़माने के सब के सब उस ज़माने के हिसाब से आला तालीम याफ्ता थे उस ज़माने में जो भी मज़हबी तालीम अवेलेबल थी वो उन्होंने हासिल की थी तो एक होती थी जो पर्सनली वो सूफिया से मिलकर उनसे सीखते थे का इल्म और दूसरे वो मदरसों में भी जाके पढ़ाई करते थे तो इसी सफ़र में उनको एक दूसरे सूफ़ी मिले ख्वाजा उस्मान हारबनी तो उनके साथ भी वो बीस साल रहे फिर वहाँ से वो अजमेर आए तो अजमेर जब आए उनके कुछ मेरेकल्स वगैरह हैं तो मेरेकल्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मशहूर हो गए कहते हैं कि ये जब अजमेर आए तो इनके साथ चालीस लोग थे तो चालीस लोगों के लिए कुछ जगह चाहिए थी बैठने की अब जब थक जाते हैं सफ़र से तो कहीं पड़ाव डालते हैं तो वो कहीं बैठ गए तो वहाँ बैठे तो वो राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी वो तो जब वो ऊँट वाला आया वापस ऊँट को बैठाने के लिए तो ये लोग बैठे थे तो इन लोग ख्वाजा मोनुलद्दीन ने कहा कि तुम ऊँट को कहीं और बैठा लो तो उन्होंने कहा नहीं यही जगह है, फिर वो थोड़ा बदतमीज़ी करने लगा तो ये लोग ये कह के उठ गए कि जाओ अब ऊँट ही बैठेंगे तो अब क्या हुआ कि अब इन इनका बात का असर ऐसा हुआ कि जब दोबारा सुबह को वो ऊँट को लेने आया जब राजा का काम होता होगा ऊँट से तो लेने आया तो ऊँट उठे ही नहीं उन्होंने कह दिया था अब ऊँट ही बैठेंगे तो ऊँट उठ ही नहीं रहे थे फिर वो ढूंढ ढाट के इनको लेकर आया और इनसे माफ़ी मांगी फिर उन्होंने कहा जाओ ऊँट उठ, उठ, उठ गए हैं तो फिर वो ऊँट उठ, उठ कर टहल रहे थे तो इस तरीके से वो इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हो गए इतना ज़्यादा लोग उनके असर में आ गए हिंदू मुस्लिम सारे लोग उनके असर में आ गए तो सारे लोग उनके खानका में आते तो यहाँ तक और दूसरे एक बात ये कि सूफ़िया जो हैं वो कोई तफरीक नहीं करते थे दूसरी कौमों में जैसे उलमा हैं सिर्फ अपना मस्जिद मदरसे में रहते थे वहीं काम करते थे ये लोग आवाम से मिलते थे हर मज़हब के लोगों से वो मिलते थे और ख़ास तौर पर गरीब तबके से तो गरीब तबके को वो बहुत ज़्यादा मदद करते थे और उनके साथ उठना बैठना उस ज़माने में जबकि बहुत ज़्यादा फ़र्क था अमीर गरीब में तो उस ज़माने में जब इन लोगों ने ये मसावत की और बिल्कुल रियल दिल से अगर वो खाना खा रहे होते और कोई गरीब आदमी आ जाता तो वो अपना खाना उसको खिला देते तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने जिसको ख़दमत खल कहते हैं बहुत ज़्यादा उसके लिए काम किया इन लोगों के अंदर बहुत गहरा इंसानी जज्बा था तो इस वजह से इन लोगों के इतने ज़्यादा मुरीद हो गए हिंदू मुस्लिम तमाम लोग दर जूक उनके खान में आते और वहीं से लंगर का शुरू हुआ तो सारे लोगों को फ्री खाना दिया जाता इन लोगों को जो भी डोनेशन वग़ैरह मिलता ये लोग अपने पास कुछ नहीं रखते थे कहते थे ये तवक्कुल यानी खुदा पर ट्रस्ट के ख़िलाफ़ है कि हम बचा बचा के रखें तो वो बिल्कुल रखते नहीं थे वो सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे एक मियाँ मीर बहुत मशहूर सूफ़ी जिन्होंने पंजाब में गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी है तो वो तो कहते हैं कि पानी भी फेंक देते थे कि हम पानी रखने के मतलब हमने तवक्ल किया कि हमने पानी हमारे पास रखा हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पे भरोसा करते थे तो ये सारी जो खसूसियात थी इसकी वजह से उस ज़माने के आप सोचिए कि उस ज़माने के अवाम जिनको कोई पूछता नहीं था अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा फ़र्क था तो उस ज़माने में इन्होंने इतना ज़्यादा इन, मसावत के तरीक़े से अमल किया उनके साथ उठना बैठना उनके साथ नमाज़ पढ़ना उनके साथ हर काम करना तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को इनसे दिलचस्पी हो गई उन्होंने बाद में उनको बहुत बड़ा दर्जा दे दिया यहाँ तक के उनके ग्रेव की परस्तिश करने लगे लेकिन ये सूफिया ने नहीं कहा था कि ऐसा करो बाद में कुछ लोग ने ऐसा करने लगे तो उससे तसव्वुफ की बदनामी हुई लेकिन इन लोगों की कोई उसमें ग़लती नहीं थी इन लोगों ने तो ये सब सिखाया नहीं था तो बाद में ये सब लोगों ने किया है तो ये लोग सबसे दो ही पॉइंट इनका था एक तो खुदा की इबादत दूसरे खल के ख़ुदा की ख़िदमत, जिसको आज हम सोशल वर्क कहते हैं तो अम मोनुलद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा कि अपने अंदर दरिया की फ़याजी, सूरज जैसी गर्म जोशी ज़मीन जैसी मेहमान नवाजी पैदा करो तो यही रास्ता इन लोगों की इतना ज़्यादा कामयाबी का जी माशाल्लाह बहुत आ, डिटेल में अच्छे से आपने समझाया आपा अच्छा आपा हम चिश्ती ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं चिश्ती ऑर्डर के आई मीन इंडियन सबकॉन्टीनेंट में एक और बड़े सूफी सेंट रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन उनको महबूब लाही के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ही स्ट्रेस्ड ही एम्फोसाइज लव एज अन्स ऑफ रियलाइजिंग गॉड फॉर हेम लव ऑफ गॉड एम्प्लाइड लव फॉर ह्यूमैनिटी तो मैं चाहूँगा उनके बारे में भी आप हम सबको बताएं। अब ये जो महबूब इलाही का जो कॉन्सेप्ट है तो वो इसका इस पर बेस करता है कि ये लोग इतनी ज़्यादा खुदा की इबादत करते थे और दुनिया से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं था तो उनको ख़ास विजन होता था ये लोग ऐसा मानते हैं तो उसकी वजह से उनका खुदा से जो है ना बहुत गुरबत हो जाती थी जी। जैसे कुरान में है वजुद करीब सज़दा करो और करीब हो जाओ तो बहुत ज़्यादा इबादत करने से पूरा कंसंट्रेशन के साथ वो कहते हैं कि अगर दिल में बिल्कुल ही दुनियादारी ना हो कोई दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो और सिर्फ और सिर्फ खुदा से ताल्लुक हो तब खुदा कुर्बत हासिल होती है तो निज़ामुद्दीन अलिया जो हैं ये ये लोग बुखारा से ताल्लुक़ रखते थे जी। असल में उस ज़माने में क्या था कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत जो कायम थी तो इसमें बहुत ही जो ग़ुलाम डायनेस्टी थी उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे बादशाह गुजरे हैं बलबन जैसे तो इन लोगों ने दिल्ली को बहुत ही सेफ़ शटल बना के रखा हुआ था जबकि बाहर तुर्क और मंगोल बाद में और इस तरीके के लोग बराबर अटैक करते रहते थे तो दिल्ली में कहा जाता है कि बहुत सारे प्रिंसेस और प्रिंस और बहुत सारे बड़े बड़े लोग उलमा और सूफिया सब बाहर से भाग भाग के यहाँ आते थे क्योंकि दिल्ली बहुत ही सेफ़ हेवन था तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ आए उस ज़माने में दिल्ली एक जमघटा बन गया था बहुत ही बड़े बड़े लोगों कामा और सूफिया और, और बादशाह के रॉयल फैमिली के लोग तो उसी तरीके से ये भी बुखारा से आए थे इनके दादा बुखारा से आए थे बदायूं जी तो उनके वो दादा थे तो दिल्ली चूँकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई थी बहुत ज़्यादा यहाँ आबादी थी तो वो बदायूं में वो लोग लो जाके के मुक़ीम हुए तो निज़ामुद्दीन जो है वो पाँच ही बरस के थे कि बाप गुज़र गए और वो यतीम हो गए तो उनकी माँ ने उनको मज़हबी तालीम दी उस जमाने में मज़हबी तालीम ही का रवाज था बाकी सेकुलर तालीम तो का रवाज तो बाद में हुआ है तो उनको बाकायदा तालीम दी जब वो बहुत ज़्यादा जहन थे और उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी थी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तालीम हासिल की फिर वो उस ज़माने में क्या होता था प्राइमरी एजुकेशन तो अपने लोकल एरिया में आदमी ले लेता था लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वो कहीं जाता था तो वो दिल्ली आए तो इतफ़ाक ऐसा था कि दिल्ली में वो नजीब शेख नजीबुद्दीन के पड़ोस में रहते थे तो शेख नजीबुद्दीन जो थे बाबा फरीदगंज शकर के भाई थे तो ये उनसे बा, बार बार उनकी बातें सुनते रहते थे तो बहुत मुतासर हो गए थे तो एक दिन उन्होंने उनसे कहा कि मुझे दुआ कीजिए कि, कि मैं काज़ी बन जाऊँ उस ज़माने में काजी बनना बहुत ही होता था तो उन्होंने कहा काजी तो मत बनो कुछ और बन जाओ तो क्योंकि काजी वो, वो ये समझ के कहा था कि जो भी रूलर होगा वो दबाव डालेगा और अपने मतलब का फ़ैसला करवाएगा तो इस वजह से तुम काजी मत बनो तो इत्तेफाक ऐसा है कि उस उसी उसी दौरान उन्होंने मस्जिद में ये आयत सुनी कि क्या अल्लाह के बंदों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से झुक जाएं, तो उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इसका असर हुआ और उन्होंने फ़ैसला कर लिया अयोध्या जाने का अयोध्या में बाबा फरीदगंज शकर बहुत ही बड़े सूफ़ी थे तो वो वहाँ रहते थे ये मुल्तान के पास है तो बाबा ने देखा बाबा फरीदगंज ने देखा इनके अंदर जो सलाहियत थी बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने ख़ास तवज्जो दी उनको और उनको उनको तसवुफ़ की किताबें पढ़ाई जो बड़े सूफिया होते थे तो अपने ख़ास मुरीदों को ख़ुद तस्वुफ़ की किताबें पढ़ाया करते थे और फिर जब वो पूरा तरीक़े से उन्होंने तमाम तालीम हासिल कर ली तो फिर उनको उन्होंने हिंदुस्तान भेजा तो इन लोगों के खलीफा होते हैं आम डिसाइपल्स तो मुरीद कहलाते हैं लेकिन जो उसमें ज़्यादा इल्म हासिल कर लेता है जो तसव्वुफ़ का तो उसको वो अपना सक्सेसर बनाते हैं सक्सेसर एक ही नहीं होता कई सक्सेसर होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर उनको भेजते हैं कि आगे जाके वो काम करें तो उन्होंने जब उनको खलीफा बनाया तो उनसे कहा कि तुम जाओ वहाँ और तुमसे अल्लाह के बंदों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा अब ये जहाँ आते हैं उनकी पर्सनलिटी थी जहाँ आते बैठते इबादत करते और लोग सम जानते कि ये बाबा फ़रीद गन शकर के पास से आए हैं तो लोग उनके पास जमा होने लग गए बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी तो वो इबादत अच्छे से नहीं कर पाते थे तो कई जगह उन्होंने बदली फाइनली वो यहाँ आए गयासपुर यही जो निजामुद्दीन है इसी को पहले गयासपुर एक गांव था तो ये लोग थोड़ा सा आबादी से अलग ही रहते थे तो यहाँ आए यहाँ भी भीड़ भाड़ होने लग गई तो एक नौजवान आया उसने कहा कि फिर जब भीड़ भाड़ होने लगी इनको इबादत का टाइम कम मिलने लगा तो इन्होंने सोचा अब कहीं और चलो तो उन्होंने कहा कि देखो जो आदमी मशहूर हो जाता है तो उसके पास तो लोग आएंगे तुम कहीं भी जा हो रहो और बात तो और ये सोचना कि अगर बहुत सारे लोग हैं तुमको अल्लाह की याद नहीं आएगी तो ये गलत है बात तो जब है जब लोगों की भीड़ में तुम खुदा की लव लगी रहे तो ये बात उनको एकदम दिमाग में आ गई और उन्होंने सोचा कि हमको बंदों की हदायत भी हमारी हमारी ज़िम्मेदारी है ये भी उसी तरह जैसे इबादत फ़र्ज़ है उसी तरह ये भी फ़र्ज़ है तो उन्होंने फिर उसके बाद वो यहीं रह गए और इसी इलाक़े को बाद में निज़ामुद्दीन की हैसियत से डेवलप हुआ तो इस तरीक़े से जो सूफ़िया थे उनको एक तरफ़ वो इबादत में लगे रहते थे दूसरी तरफ ख़िदमत खल्क में लगे रहते थे तो इसी वजह से इन्होंने इन इतने ज़्यादा इन लोगों के पास इतने ज़्यादा इनके पास लोग आते थे और निज़ामुद्दीन वालिया के पास तो बहुत ज़्यादा लोग आते थे और उस जमाने में आप सोचिए कि जब कोई मस्जिद मदरसे इस तरह से होते नहीं थे लोगों की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं था तो यही सूफिया थे इनके सेंटर होते थे जो ख़ानका होती थी वो सेंटर होता था तो वहाँ पर लोग आते थे वहाँ पर फ्रीली वो वहाँ पर रह सकते थे वहाँ खाना खाते वहाँ ठहरते वहाँ अपने मुर्शिद की बातें सुनते उनसे मजहबी तालीम हासिल करते तो इस तरीक़े से उन लोगों ने इनसे दीन सीखा उस ज़माने में ये इस तरह के सेंटर होते नहीं थे तो यहीं पर उन्होंने उनसे दीन सीखा उनसे तमाम जो जो स्पिरिचुअल इस्लाम है वो इन्हीं से इन लोगों ने सीखा इनके इनके पास आम लोग भी आते थे और ख़ास लोग भी आते थे तो एक थे अमीर हसन शजी उनको संजरी भी कहते हैं शज्जी भी कहते हैं तो वो उसमें थे कोर्टियर थे तो वो आते थे इनके पास तो उनको फारसी आती थी तो वो मौलाना निजामुद्दीन वालिया जो बातचीत करते थे उसको रिकॉर्ड करते थे और फारशियन में तो वो पूरा रिकॉर्ड उनका मौजूद है वो फवाद फवायद की शक्ल में आज अवेलेबल है तो उसमें बहुत सारी बातें हैं तो उसमें एक बात जो उनका कॉल दर्ज है कि कमाल चार चीज़ों से हासिल होता है कम खाने से कम बोलने से कम मिलने से और कम सोने से तो इस तरीके की बातें वो लोगों को बताते थे समझ लीजिए कि वो स्पिरिचुअलाइज़ किया उन्होंने पूरी सोसाइटी को तो इस तरीके से जो है लोगों को एक गाइड ऐसा मिल गया जो उनका बहुत हमदर्द था दर्दमंद था उनके लिए सब कुछ उनके लिए करता था यहाँ तक कि उनको कोई भी उनकी ज़रूरत होती थी तो उसको वो पूरा करता था वो उन्हीं को वो अपनी फैमिली समझता था जी जी आपका कुछ सवाल भी आए हैं और कुछ कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा ये कमेंट भेजा है दिल्ली से डॉक्टर सानिया स्नैन खान साहब ने उन्होंने लिखा है वेरी सेशन ऑन द स्पिरिट ऑफ सूफिज्म बाय डॉक्टर फरीदा खानम द सूफी प्रैक्टिस फोकसेस ऑन द रंसिएशन ऑफ वर्ल्डली थिंग्स प्योरिफिकेशन ऑफ़ द सोल एंड दंटम्पलेशन ऑफ़ गॉड एहत नदीम साहब ने पाकिस्तान से लिखा है मैम जजाकल्ला थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग फ़यम उमर साहब उन्होंने लोकेशन लिखी है उन्होंने लिखा है कि माशाल्लाह आप बहुत शानदार बहुत ज़बरदस्त आपा दो आ, दो तीन सवाल हैं आ, मैं पूछना चाहूँगा आपसे ये सवाल भेजा है मिस नूरुल एंड ज़िया ने ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने लिखा है आ, प्यारी आपा आई हैव अ क्वेश्चन व्हेन आई टेल सम स्टोरीज़ ऑफ़ सूफी पर्सनालिटीज टू माय चिल्ड्रन दे आस्क मी वन क्वेश्चन विच इज़ दैट वाई दीज पीपल डोंट ईट अ लॉट एंड हाउ दे कंट्रोल देयर हंगर एंड डोंट ईट फॉर सो मैनी डेज तो इसके बारे में बताएँ कि ये कैसे मुमकिन करते हैं वो रोजे में नहीं होता रोजे के शुरू में हमें बहुत मुश्किल लगता है भूखा रहना प्यासा रहना लेकिन बाद में एकदम आदत हो जाती है तो अगर हमारा खुदा में लग जाएगा फोकस करेगा दिमाग फोकस कर लेगा जैसे हम कोई काम करते हैं बच्चों को एग्ज़ाम देना होता है उन्हें तो उनको ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया जाता है क्योंकि उनका माइंड तो कहीं और लगा हुआ होता है तो ये माइंड है आप इसको जहाँ चाहे लगा लें वहीं वो लग जाएगा तो ब, ब, उसको इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती खाने पीने की सहाबा और वसल्लम बहुत कम खाते थे जी। दो खजूर खा लिया और पानी पी लिया कभी जो वो मिल गया दूध तो दूध पी लिया खाना तो बहुत कम खाते थे देखिए उनसे ज़्यादा मेहनत और मजाहदा तो किसी ने नहीं किया जी। तो खाना बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो हम आदतन खाते रहते हैं हम तीनों वक्त खाते हैं चाहे भूख हो या ना हो खाते हैं और कहते हैं सुखराज ने कहा था कि जब तक कि तुम तड़पने ना लगो दूसरा खाना मत खाओ तो ये जो है इस तो हम अपनी सेहत ही ख़राब करते हैं हर वक्त खा खा के जी हमको खाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितना हम खाते हैं जी और आप अगर देखा जाए आपने जैसे साहबा और रसोल्ला का कभी जिक्र किया तो रसोल्ला की ज़िंदगी में देखे तो कितनी सिंपल लाइफ था उनको कुछ भी अगर गिफ्ट मिलते थे तो वो उसको चैरिटी में दे देते थे डिस्पाइट गेनिंग सुप्रीमेसी ओवर अ लार्ज अरब वर्ल्ड आई मीन ही ऑल ही हैड और ऑल ही पोजेस वॉज अ सिंपल मैट्रेस जिसपे सोते थे एक पिक्चर पानी का uh, और मतलब बहुत ही सादगी के साथ उन उन्होंने ज़िंदगी बताई तो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल मिलता है आपने जैसे जिक्र भी किया आप दूसरा सवाल आ, ये भेजा है कश्मीर से अब्दुल माजिद भट्ट साहब ने उन्होंने लिखा है कि आपा सूफिज्म हैज़ इट्स ओन इन्फ्लुएंस ऑन कश्मीरी पीपल बट इट हैज़ डिविएटेड देम फ्रॉम इस्लामिक मोनोथीज़म इसके बारे में आप क्या कहेंगी हाँ वो सारे लोगों का डिविएशन नहीं है वो वजूद और शहूद जो है तो वजूद इनका एक कॉन्सेप्ट है जिसके माने हैं वननेस ऑफ बीइंग मतलब इस हिंदुज़म में था अद्वैतवाद और द्वैतवाद तो द्वैतवाद तो हम मोनोथिज़म कह सकते हैं और अद्वैतवाद ये है वननेस ऑफ बीइंग वाला कॉन्सेप्ट वजूद वाला तो ये लोग मुतासर हुए हैं क्योंकि हर कंट्री का मैं जो इनका तस्वुफ़ का जो वर्जन है वो फ़र्क है जो लोकल इन्फ्लुएंसेस आए हैं तो लोकल इन्फ्लुएंसेस तो जो हम इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी हैं इतना ज़्यादा जो रस्म व रवाज हैं देखिए आप रसोल्ला के ज़माने में ये सब कुछ नहीं थे जी, जी। शादी एकदम सादा अंदाज में होती थी आज होती है। कोई भी सादा अंदाज में शादी नहीं करता है तो जो हमेशा ऐसा होता है कि हर जनरेशन में कि लोकल इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर पड़ते हैं तो उस पर बहुत सारे रिफार्मर्स होते हैं उसको उस पर तनकीद करते हैं उसको सुधारते हैं तो इसी तरीके से जो वतलूद है उस पर भी तनकीद हुई है वजतुलशहूद के नाम से पंजाब के रहने वाले थे अभी नाम याद आ जाएगा तो उन्होंने शहुद का कॉन्सेप्ट पेश किया और उन्होंने कहा कि असल में जो है कि जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते हैं डिवाइन पर तो हमें सिर्फ वही नज़र आने लगता है बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेसन की वजह से हमें सिर्फ खुदा ही खुदा नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता है तो वह वतूद है तो वो विजन की यूनिटी है ना कि रियलिटी की यूनिटी जबकि वजूद में कहते हैं कि वो रियलिटी की यूनिटी वो हिंदुज़म वाला कॉन्सेप्ट है कि इंसान जो है वो या कोई भी बीइंग जो भी है वो सब खुदाई का हिस्सा है तो ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है इस पर तनकीद की गई है तो वहरतलशहूद जो है वो कहते हैं विजन की यूनिटी है रियलिटी में यूनिटी नहीं है वो बहुत ज़्यादा इबादत करने की वजह से ऐसा होता है कि सब कुछ खुदा ही उनको नज़र ही आने लगता है कुछ और नज़र नहीं आता ये है जी आप एक और सवाल बांग्लादेश से किया है मोहम्मद रॉकीबुल हसन तमाल साहब ने उन्होंने लिखा है कि रिलीजन वॉज परफेक्टेड डूरिंग द टाइम ऑफ द प्रॉफिट एंड डरिंग हिज़ लाइफ टाइम इट इज़ रिकोगनाइज इन द कुरान

तो हमारी बहुत ही बड़ी बात है कि कुरान महफूज है सीरत सरत महफूज है और हदीस महफूज है सब लेकिन इंटरप्रटेशन का डिफरेंस हमेशा रहेगा तो उसमें उसको कोई हम रोक नहीं सकते क्योंकि हर आदमी जो है उसको अपने हिसाब से समझता है मिसाल के तौर तो पर एक मैं बताती हूँ कि जब वसल्लम मदीने में थे तो एक बार यहूदी का जनाजा जा रहा था तो रसोल्ला वसल्लम खड़े हो गए अब देखिए उस वक्त तो सहबा थे उस वक्त भी वो लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे थे किसी ने कहा कि रसोल्ला वसलम इसलिए खड़े हो गए कि यहूदी का जनाजा ऊपर था और आप बैठे हुए थे तो आप नीचे थे वो ऊपर था किसी ने कहा कि इसलिए खड़े हो गए कि उसके साथ फरिश्ते थे वे जो जान निकालते हैं वो फरिश्ते उसके साथ थे किसी ने कहा कि उनको धोनी देते हैं वो बहुत सारी महक देते हैं ना डेड बॉडी को जी। तो उसकी वजह से वो खड़े हो गए उनको मैं कारी थी किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी ने कहा कि आप क्यों खड़े हो गए वो तो यहूदी का जनाजा था तो आपने कहा तो क्या ही वॉज़ नॉट अ ह्यूमन बींग अलैहिस्सत नफसन तो वसल्लम के ज़माने में भी लोग डिफरेंटली सोच रहे थे जी। बस हम सिंसियरिटी हमारे अंदर हो और हमारे अंदर सेल्फलेसनेस हो तो हमारी इंटेंशन सही हो जैसे बुखारी में बिन नियत तो हमारे जो अमल है वो नियत पर उसका दारोमदार है हमारी नियत दुरुस्त हो तो हमें इन सवाब मिलेगा सोचने को तो रसोल्ला वसम ने मना नहीं किया जी बनो कुरजा की मिसाल है जब बनो क आपने भेजा एक पार्टी को और बहुत जल्दी थी तो आपने कहा था जल्दी जाओ तेज़ी से और जा असर की नमाज वहीं पढ़ना अब ऐसा हुआ कि असर की नमाज का टाइम निकला जा रहा था तो कुछ लोगों ने वहीं नमाज़ पढ़ लिया और कुछ लोगों ने वहाँ जा नमाज़ पढ़ी दोनों ने आगे बताया रसोल्ला वसलम से कि ऐसा हुआ उन्होंने तो कहा था वहीं जाके नमाज़ पढ़ना तो बताया कि कुछ लोगों ने रास्ते में पढ़ ली कि देर हो रही है रसोल्ला वसलम का ये मकसद नहीं था कि नमाज कज़ा करके पढ़ो तो आपने दोनों को दुरुस्त फरमा कहा जी तो ये तो होगा इंसान मैन इज़ कहा जाता है मैन इज़ अ थिंकिंग एनिमल अब वो सोचेगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही महावर पर तो नहीं सोचेगा ना वो सोचेगा तो जी, जी, उसमें डिफ्रेंसेस आएंगे बस ये सोचना चाहिए कि डिफरेंस को टॉलरेट करना चाहिए उस पर लड़ाई नहीं करना चाहिए उस पर जैसे आजकल तरह तरह से कॉन्फ्लिक कॉन्फ्रेंटेशन होता है एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं नहीं डिफरेंस को बर्दाश्त करना चाहिए डिफरेंस को वेलकम करना चाहिए डिफरेंस से लर्निंग लेना चाहिए जैसे कि मौलाना साहब ने हमेशा हम लोगों को बताया है और आप अब मैं समझता हूँ कि ये भी ज़रूरी है कि चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में समझाना बिकॉज देर इज़ अ टेंडेंसी अमंग पीपल लाइक मैनी पीपल्स हैव स्टार्टड थिंकिंग सूफिज़म एज़ समिफ़रेंट दैन इस्लाम बट आपने जैसे अपनी किताबों में और आज अपने लेक्चर में भी कि सूफिज़म के सही मायने क्या है उसको बहुत अच्छे से वाजे किया मौलाना वहीद्दीन खान साहब खुद अपने आप को सूफ़ी बताते थे लेकिन उन्होंने सूफ़िज़म को इंटेलेक्चुअल लेवल पे लोगों को बताया कि सूफिज़म असल में सूफिज़म किस तरीके से लेना चाहिए तो इसलिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में लोगों को बताना और उसको वाजे करना तो आप अब आखिरी हिस्सा आखिरी हिस्से पे हम पहुंच गए हैं आज के सेशन में बस दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा एक Uh, सवाल तो ये है कि कुछ सूफी की टर्म्स है टर्मिनोलॉजी है uh, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में भी अब हम सबको बताएं ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी मिले uh, तो उसको वाजे करें ये सारे टर्म्स वही हैं जो कुरान में हदीस में अतिलात आई हैं सूफियों ने कुछ उसका एक मेथड बनाया उसको आर्गनाइज तरीके में उसको इस्तेमाल किया मतलब ज़िक्र है तो अल्लाह की इबादत करना अल्लाह का जिक्र करना ये तो बहुत ही ज़्यादा मुस्तन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया गया है कि अल्लाह का ज़िक्र करो लेकिन अब ज़िक्र कैसे करें अब कुरान में भी सारी बात डिटेल से नहीं है ना हदीस में सारी बात डिटेल से है तो डिटेलिंग तो इंसान करता है और उसमें फ़र्क हो जाता है तो ज़िक्र के बहुत सारे तरीक़े सूफिया ने बताए एक ज़िक्र जली है एक जिक्र खफ़ी है ज़िक्र जली जो है वो लाउड रिसाइटेशन होता है तो बहुत सारे लोग मिलकर जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह इसका रिसाइटेशन करते हैं और बहुत सारे जो अक्सर ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल्स रिसाइटेशन करते हैं तो वो सइलेंट रिसाइटेशन करते हैं तो ज़िक्र के बहुत सारे तरीक़े हैं और चार मेन जो सिलसिले हैं चिश्तिया और सुहर वर्दिया और नक्शबंदिया कादरिया तो इसमें तो थोड़ा थोड़ा सा सब में फ़र्क है तो एक में अस, असल में उस ज़माने में ये समझा जाता था कि हार्ट जो है वो सेंटर है स्पिरिचुअलिटी का तो वो कहते थे कि जब से ज़िक्र करते हैं ना जैसे ला ला तो ज़िक्र दिल पर ऐसे दिल पर जब ज़रब लगाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी अवेकन होगी ये उस ज़माने की जो ट्रेडिशंस थी रिलीजियस ट्रेडिशंस उसमें उससे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बारो किया हैं तो उसकी वजह से उन्होंने ये फ़र्क हो गया ज़िक्र के तरीक़ों में लेकिन जहाँ तक ज़िक्र है वो तो उसी तरीके से इम्पोर्टेंस उसका है जितना कि पहले था उतना ही बाद में है तो ज़िक्र का सिर्फ तरीक़ा बदल गया है और यहाँ पर इंडिया में जो है योगा में टेक्निक्स थी योगा में भी वही था सब स्पिरिचुअलिटी को कैसे अटेन करें तो यहाँ भी वही सब था कि डिज़ायर्स को कैसे ख़त्म करें क्योंकि डिज़ायर्स ख़त्म होने से इंडिया का जो ट्रेडिशन थी वो ये थी कि हमारे जो आवागमन होता है जिसकी वजह से हमें सारी सफरिंग होती है तो जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को एकदम अल्टीमेट गोल तक पहुंचा देंगे तो ये जो है हम हम अब उसके लिए ज़रूरी है कि हमने डिजायर्स ख़त्म करें तो जब डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगे फिर हमारा आवागमन नहीं होगा और हमारी सफरिंग इसको बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको बताया गया है तो जब हमारी डिज़ायर ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम इस दुनिया में आना बंद हो जाएगा क्योंकि वो डिज़ायर्स जो हैं वही एक नई बॉडी लेकर इस दुनिया में आती हैं तो उससे भी इन लोगों ने लर्निंग करी है क्योंकि कहा जाता है निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ योगी आते थे और वो लोगों से उन्होंने कई चीज़ें सीखी हैं जैसे सांस को रोकना जिसको कहते हैं पास अनफास तो सांस को सांस पर बहुत तवज्जो देते हैं ताकि हमारा माइंड जो है दूसरी चीज़ों पर ना जाए माइंड डाइवर्ट ना हो तो उस डम बहुत ज़्यादा सांस पर तवज्जो देकर और ज़िक्र करते हैं तो ज़िक्र इनके क्या है कि ज़िक्र की वजह से हम हमारा कंसंट्रेशन आता है जब हम पासे अनफास के ज़रिए से ज़िक्र करते हैं तो हम पूरी तरीके से कंसंट्रेशन पैदा हो जाता है और हम पूरे तरीके से खुदा की मर्जी के मुताबिक हम अपनी मतलब सरेंडर कर देना खुदा के आगे तो तभी हम पूरी तरह सरेंडर कर सकते हैं जी जी जी, जी, जी। आप आखिरी सवाल आज का सेशन जो पूछना चाहूँगा मैं आपसे आज आपने जैसे जिक्र भी किया सूफ़ी पर्सनालिटीज के बारे में सो so, सूफिजम फाउंड इट्स वे इन इंडिया इन द एलेवेंथ एंड सेंचुरी एंड देर वज़ अ मैसिफ सूफी मूवमेंट एंड सूफी टू नो बिंग अबाउट पीस एंड हारमोनी इन द इंडियन सब कॉन्टिनें तो आप ये बताइए कि वॉट हैज़ बीन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सूफीज इन इंडिया इसके बारे में हम सबको बताएँ असल में ये ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हुआ है तो इसको हम सोच रहे हैं कि इसको अलग भी ले लेंगे जी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस जमाने में वो जो मेडिवल वर्ल्ड था ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था मिडिल क्लास भी नहीं थी या तो एकदम लोअर क्लास थी या अपर क्लास थी तो आवाम के लिए यहाँ कुछ भी इंतज़ाम नहीं था ना कोई इदारे थे ना उनकी कोई ट्रेनिंग होती थी ना उनके पास कोई जॉब था बहुत ही उनकी हालत बहुत ही खस्ता थी तो ये जो सूफिया थे ये बिल्कुल खुद ही उन्होंने दुनिया को छोड़ रखा था तो ये लोग किसी में फ़र्क नहीं करते थे सबसे मिलजुल कर रहते थे जो उनकी ख़ानखा होती थी वहाँ पर सारे लोग आते थे तो ख़ास तौर पर इंडिया में चूँकि मुसलमान आए और उन्होंने अटैक किया तो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था एक वो नया बिल्कुल एलियन कल्चर था और यहाँ के बिल्कुल एलियन कल्चर दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे तो टेंशन बहुत ज़्यादा था एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे एक दूसरे को मलिश कहते थे तो यही सूफिया थे जिन्होंने इतने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए नफ़रतें ख़त्म की और ज़ात पात से वो ऊपर उठ गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने लंगर का निज़ाम उन्हीं ने कायम किया जिसको अब सरदारों ने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर उसको कायम कर रखा है तो सारा ये काम सूफिया ने किया था आवाम तो से ताल्लुक़ बनाना आवाम के लिए काम करना खिदमत खल को वो बहुत बड़ा काम बिल्कुल इबादत का दर्जा देते थे तो इस पर इनशाला हम दोबारा करेंगे लंबा टॉपिक है ज़रूर uh, जजाकल्ला आपा आज uh, आपने बहुत वंडरफुल uh, सेशन किया एंड यू स्पोक ऑन दंडरस्टैंड ऑफ सोफिज़म एंड श्योर मैनी फ्राम योर अंडरस्टैंड एंड नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सोफिज़म So, uh, before we end uh, today's session, some very important releases uh, that we want to announce and uh, there are certain leaflets and booklets that uh, we would be launching today and uh, uh, the first launch is about uh, these four leaflets which has been uh, created by Bangalore team and before uh, uh, I request Dr. Sanyas Nain Khansaab to release uh, these uh, booklets, leaflets uh, I would like to read out the message that the Bangalore team uh, has sent for all of you. Uh, the message uh, has been uh, sent by Miss Sara Fatima uh, from Bangalore, and she has written In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, dear CPS mission family, Assalamu alaikum. With the best duas for all of you, I truly feel humbled and share with you this help of Allah for all of us. Allah, in His infinite mercies, has been so kind to us in terms of sending His guidance through the Prophet. May peace, mercy, and blessings of Allah be upon the Prophet. Further, it calls for enormous gratitude that Allah chose Molana Wahiduddin Khan Sahab. To guide us to the true face of Islam and the mission from the original sources. We all understand and accept that situations are not in our control. Only our response to the situation is under our control. Maulana Sahab has taught us how to convert any situation into a positive situation and benefit from it. I am focusing on one such present situation of the issue. Pertaining to the Prophet. This situation has created an awareness about the Prophet of Islam across the globe. We have to make use of this opportunity to present the Prophet of Islam, who is a mercy to mankind and who practiced and preached peace. We, being powerless and with limitations, can only take one infant step with regard to anything in life. Rest is Allah's domain. With all help from Allah, this small step is in the form of this booklet, Prophet, a man of peace, presented in the way of Allah. It is a combination of many articles of Maulana Sahab, which dispels the wrong image of the Prophet being a warrior Prophet, wrongly presented by the biographers. The booklet presented along with the other booklets one of communal harmony message and the other of Farida Appa's article published in the Times of India about blasphemy is helping us to reach out to many people both Muslims and people of other faiths with positive results. I will be grateful if every CPS Dai will take up this work of sharing this both on social media uh, as PDF copies and hard copies as well with our fellow beings. A humble offer of 50 hard copies to each of the CPS members in India will be sent by post for beginning. You can send your address on WhatsApp number 988 May our message of peace and Quran reach every nook and corner of the world. May Allah shower Maulana Saab with His choices, blessings, and accept our humble efforts in his way. Amen. All praise be to Allah through whose blessings good things are accomplished. So this is the message that uh, Fatima Sara uh, has sent uh, for all of us and uh, with this uh, I will request Dr. Sanyas Nain Khan saab, uh, to launch the first booklet Prophet Muhammad, the man of peace. Assalamualaikum. Bismillahir uh, khushi ये चार रिपलेट्स जो सारा फातिमा साहब माने रिलीज़ किए हैं बेंगलोर से ये जो लिफलेट्स हैं बहुत ही अच्छा अच्छे हैं यानी इस पर्पस के लिए कि इसको बसानी से दे सकते हैं लोगों को और आजकल ज़रूरत है इसकी ख़ासतौर से प्रॉफ़िट मोहम्मद वसल्लम के बारे में लोग जानना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है और बहुत ही इन फ़ायदा होगा मुझे याद आता है मौलाना ने कहीं लिखा है कि जब वो नौजवान थे तो उनको कहीं केरला वगैरह जाना था तो सफ़र में जिस ट्रेन पे बैठे हुए थे तो वहाँ बराबर में कोई साहब बैठे हुए थे तो उनसे बातचीत हुई तो वो कोई क्रिश्चियन थे तो इत्तेफाक से दोनों एक ही स्टेशन पे उतरे मौलाना भी और वो भी तो साथ साथ जाने लगे फिर एक जगह एक मकाम ऐसा आया कि उसने कहा कि मुझे इधर जाना है मौलाना कहा मुझे इधर जाना है तो खैर जाते वक्त उसने एक ऐसे लीफलेट कोई क्रिश्चियनिटी के ऊपर जी मौलाना को दिया और मौलाना ने बताया कि उस पर लिखा हुआ था प्रिंटेड एट ओहायो जी यू ज़माने की बात है मैं समझता हूँ उन्नीस वगैरह की होगी तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि जिससे भी आप मिलें तो कुछ आप दें ताकि ये एक दावती जो जिम्मेदारी है वो भी अदा होती है और इससे इन फ़ायदा होगा और आ, सारा फातिमा साहिबा ख़ुद एक बहुत ही इंस्पायरिंग शख्सियत हैं कैसे सिंगल हैंडेडली वो ये सारी चीज़ें करती हैं और कितना जज्बा है बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाती हैं अक्सर मैं देखता हूँ कि वो आ, उनको इनवाइट किया जाता है क्रिश्चियंस चर्चेस और आ, टेंपल्स वगैरह में बहुत ही अल्लाह के फजल बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह अच्छा। ताला अजर अजीम अतः फ़रमाए जी आ, So I will just read out these titles uh, once again. Uh, Prophet Muhammad, the Man of Peace. Uh, the second uh, leaflet is End Misunderstandings Through Sound Argument, which is an article of Professor Farida Appa on blasphemy against the Prophet of Islam, which came in Times of India. And then the third piece, Spirituality and Communal Harmony. And fourthly, Center for Peace and Spirituality International Brochure with all the important links. Uh, which can be used to download further books and literature. Uh, so these are very handy, and uh, we've already uh, shared the link uh, in the comment session. You can also download it uh, from the website. Uh, these will also be sent out 50 copies, as uh, Sara Fatima appa has uh, promised. Uh, if you send the address and details on the WhatsApp number that we shared, and these are very simple, easy handouts. Uh,

आर्टिकल्स जो हैं वो पीस पर बेस्ड हैं कि जैसे पहला आर्टिकल है प्रॉफिट मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ पीस फिर आगे जो आर्टिकल्स हैं ये सारे पीसफुल टीचिंग्स जो सल्लम की थी उन पर बेस्ड हैं और बहुत ही वाकयाती अंदाज में हैं लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प और एक छोटा सा खाका रसोल्ला की ज़िंदगी का मिल जाता है इतनी छोटी सी किताब में तो ये आजकल जैसे हालात हैं लोग जानना चाहते हैं रसुल्ला की ज़िंदगी के बारे में उनकी टीचिंग्स के बारे में तो उसके लिए आइडियल किताब है अल्लाह ताला अजर अजीम अतः फ़रमाए जिसने जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया शुक्रिया डॉक्टर साहब और अल रसाला उर्दू मैगज़ीन जो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स से रेगुलर पब्लिश हो रही है अब वो बाई मंथली हो गई है और अगर आप इसकी हार्ड कॉपीज़ लेना चाहें तो आप गुड वर्ड बुक्स डॉट कॉम से आप ले सकते हैं आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं सी पी एस वेबसाइट से तो uh, इस बार का जो बाई मंथलीरसाला मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसको रिलीज़ करें uh, जैसा आपने बताया 1976 से ये अलसाला शाये हो रहा है पिछले दिनों कोविड की वजह से थोड़ा इंटरप्ट हो गया था ये और uh, और इसमें जो ख़ास कंट्रीब्यूशन है इस वक्त फरहाद साहब का है मौलाना फरहाद अहमद साहब वो मौलाना के आर्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं और एक बुक फॉर्म में मैगजीन के फॉर्म में पब्लिश करते हैं तो ये वही पैटर्न है जो पहले था एक एक पेज के आर्टिकल्स ताकि लोग बासानी इसको पढ़ सकें मैंने अभी देखा कि इसमें जो एक सेक्शन नया शुरू हुआ है वो है मुताल हदीस दरअसल मौलाना ने एक किताब लिखना शुरू की थी जो के काफ़ी हद तक लिख लिख दी थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी हदीस के ऊपर है यानी अदीस को मौलाना ने बहुत ही सिंपल और आसान अंदाज में एक्सप्लेन किया है तो वो काफ़ी सारी हदीस हैं जो मौलाना ने जिनको एक्सप्लेन किया है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जिससे जो हदीस की जो रूह है वो सामने आती है तो वो उसका भी ये सिलसिलेवार इसमें शुरू हो गया है पहला जो इसका ये हिस्सा है पहला सिलसिला है वो मैं अभी देख रहा हूँ तो एक मुझे हदीस बड़ी अच्छी नज़र आई तो वह मैं पढ़ता हूँ उससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि ये किताब किस नोयत ये जो किताब जो अब आएगी इन जब कंप्लीट हो जाएगी कि उसका क्या आ, क्या नोयत है तो ये एक हदीस है <coughs> रसोल्म ने फरमाया उस शख्स उस शख्स ने ईमान का मज़ा चखा जो अल्लाह को अपना रब बनाने पर राजी हो गया और इस्लाम को अपना दीन बनाने पर और मोहम्मद को अपना रसूल बनाने पर तो इस पर मौलाना ने दो तीन लाइनें लिखी हैं इंसान पैदाइशी तौर पर सच्चाई का मुतलाशी है किसी इंसान की तलाश जब उसको ईमान तक पहुंचाती है तो ये वाक़ उसके लिए सबसे बड़ी तलब को पा लेने के हम माने होता है वो खुदा को और खुदा के रसूल को और खुदा के दीन को अपने दिल की गहराइयों में इस तरह उतार लेता है जैसे कि उसको कोई उसका उसको कोई बेहद लजीज चीज़ मिल गई हो तो ये एक मौलाना का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हदीस के ऊपर जो सिलसिलेवार आना शुरू हो गया है कि हदीसें आमतौर से अगर आप हदीसों की किताब पढ़ें तो बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसको पढ़ना सिर्फ़ जो हज़रा है वही पढ़ पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं रावियों के नाम और रेपिटिशन और बहुत सारी चीज़ें और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत नहीं होता है तो मौलाना ने जो स्पिरिट है अदीस की उस पर ये एक सिलसिला शुरू किया था जो कि काफ़ी हद तक हो गया है इन इसको हम जल्द शाये करेंगे बाशु दावाना लहमदिल्ल रबी आरम okay we will end this session now we'll be back next sunday 10.30 am thank you